नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों के हक के लिए समाज सेवक सड़कों पर उतर आए हैं। समाज की सेवा के लिए दिन रात एक कर मरीजों की जान बचाना चाहते हैं। मरीजों के हक की लड़ाई करते करते कांग्रेस के नगर सेवक बंटी शेड़के इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बंटी शेड़के पिछले कुछ दिनों से समाज सेवा में उन्होंने खुद को समर्पित किया है और उनकी केवल इतनी ही मांग है कि तुकाराम मुंडे को वापस लाया जाए। आइए देखते हैं गिरफ्तारी से पहले उन्होंने आम जनता को क्या मैसेज दिया है। और अभी ये रुकने नहीं वाली लड़ाई है। ये लड़ाई और तीव्रता से लड़ी जाएंगी और घबराए नहीं। पूरे साथी, युवा कांग्रेस के साथी निरंतर जो है ये लड़ाई में हम आपके साथ में हैं और निरंतर हमारी सेवा वो मेयो अस्पताल में खाना खिलाने की सेवा और मेडिकल अस्पताल में खाना खिलाने की सेवा, शाम को रात में 24 घंटे हमारे युवा साथी जो है निरंतर ये सेवा हमारी जारी रहने वाली है। जो भी मरीजों को जो भी तकलीफ जारी है, ये घबराने की मेरे जो भी युवा साथी हो कोई घबराने वाला नहीं है। आपको जो भी दिक्कत आ रही होगी, दिक्कत आने वक्त मेरा मोबाइल अभी कुछ देर रहेगा, मेरे मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुणाल खड़गी के पास में मेरा मोबाइल है, वसीम शेख का आकाश गुजर है, सभी युवा साथी हमारे लगे हुए। जो जिसको भी जो भी दिक्कत आती है वो दिक्कत हमको बताए। आने वाले समय में जो भी प्रताड़ित करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ये प्रशासन को भी हम लोग जवाब देंगे यानी देंगे। और निश्चिंत रहिए, आप लोग जो है घबराए नहीं, हम सभी लोग आपके साथ में हैं और ये कांग्रेस भाजप करने का समय नहीं है। सब लोग एकजुट होकर इस तरीके की व्यवस्था के ऊपर में हमको आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा और हमको हमारे हक की लड़ाई फिर से हमको लड़ना पड़ेगा। ये मरीज जितने भी हमारे मरीज है वो कल लकड़गंज थाने में फिर से जो डॉक्टर दीपिका पुरोहित इन्होंने एक पेशेंट को कहा पैसे भरो नहीं तो वो ऑक्सीजन गैस निकाल दूंगी, इसलिए टेंशन दीजिए मत। बस आमचे अध्यक्ष महोदय सन्माननीय विकास भाऊ ठाकरे यांनी 15 वर्षा पहिले कंप्लेंट केली विकास भाऊ ठाकरेला भेटतो। अरे शांत म्हणजे, अरे 50,000 रुपये धंदे काय इंधन ना लोग जब क्या बोलते फोन कर रहे हैं तो मेयो ने अगर समझ लो 4 दिन पहले अगर कोई